राजनीतिक पार्टियां केवल मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बस सिर्फ मुसलमानों की है और इंशाल्लाह वहां बाबरी मस्जिद कायम होकर रहेगी। लानत हो यजीद और उसके बाप माविया पर जिसकी पैरोकारी ने तुम्हारे दिलों से हक परस्ती छीन ली। इस देश के अंदर नेता जो विरोध कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानियत का खून करने पर आमादा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर। मैं आरिफ खान इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। हम एक ऐसे मजहब में पैदा हुए जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर घर के ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। बाबर ने जो कलंक किया है उस कलंक को ध्वस्त करना है। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। हिंदू सहिष्णु था, हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु रहेगा। तैयार हो जाइए एक और जंग के लिए। नेताजी, आपने जो काम कहा था वो हो गया।